अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट मुबशर का यूट्यूब चैनल। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल का जो ऑक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और सब टीम्स ने अपने स्क्वाड को अपनी शक्ल दे दी है। तो आज की इस वीडियो से हम आगाज़ करने वाले हैं जो आईपीएल की टीम्स हैं, वन बाय वन हर टीम के स्क्वाड का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की वीडियो में स्क्वाड का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है आरसीबी की टीम। तो आरसीबी के स्क्वाड पर हम नज़र डालते हैं तो आते हैं विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, परभ देसाई, फेफ डुप्लिसिस, फिन एलेन, सिसोदिया, अनोज रावत, दिनेश कार्तिक, लेमरॉर, डेविड विली, शर्फेन रदरफोर्ड, गौथम, शहबाज अहमद, वीरेंद्र हसरंगा, करण शर्मा, बेन हेंड्रॉफ, सिद्धार्थ कोल, मिलांद, जोश हेजलवुड, हर्षल पटेल और आकाशदीप। तो देखा जाए तो 20 से 22 प्लेयर्स आरसीबी ने सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी अच्छा स्क्वाड, बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से मैनेज किया गया आरसीबी के स्क्वाड को। अगर मैं पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो 8 हर टीम में हो सकते थे, तो जो आरसीबी के फॉरनर प्लेयर्स हैं उनमें आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, फेफ डुप्लिसिस, फिन एलेन, डेविड विली, शर्फेन रदरफोर्ड, वीरेंद्र हसरंगा, जेसन बेन हेंड्रॉफ और जॉश हेजलवुड। तो काफ़ी अच्छे आपको जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और काफ़ी मुश्किल होने वाली है इनको, जो फॉरनर प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करने वाले, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी ऑलमोस्ट अच्छे जो फॉरनर प्लेयर्स हैं नज़र आ रहे हैं। डेविड विली की बहुत अच्छी चॉइस लगी है क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं डेविड विली। उसके साथ वीरेंद्र हसरंगा जो है, वो वीरेंद्र हसरंगा तो आपको पता है कि T20 के नंबर वन बॉलर चल रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा इस बार उन्होंने हाइप पाई है। 10.75 करोड़ पे आरसीबी ने वीरेंद्र हसरंगा को ख़रीदा है। सो काफ़ी अच्छी टीम नज़र आ रही है और जो देखा जाए तो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को भी सिलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और आरसीबी ने देखा जाए तो जो फॉरेन प्लेयर्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और बाकी लोकल प्लेयर्स काफ़ी सस्ते सस्ते खरीदे हैं, 1 करोड़ से भी नीचे नीचे काफ़ी प्लेयर्स आपको नज़र आने वाले हैं। तो आरसीबी का स्क्वाड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इस बार जो कैप्टन है वो विराट कोहली नहीं होने वाले, तो अब देखते हैं फेफ डुप्लिसिस कैप्टन होते हैं या ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन होते हैं, अभी इसको देखना पड़ेगा। पर अभी तक कोई भी कैप्टन आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। तो मेरे लिहाज से जो आरसीबी का स्क्वाड है, अगर आप देखा जाए जो प्लेइंग 11 वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। प्लेइंग 11 के हम हवाले से अलहदा से वीडियोस बनाएंगे, जब हमारे स्क्वाड का रिव्यू सारा हो जाएगा उसके बाद हम प्लेइंग 11 के हवाले से वीडियो बनाएंगे। पर काफ़ी अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है, बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है, हर एरिए को कवर किया हुआ है आरसीबी ने। तो काफ़ी अच्छा जो ऑक्शन रहा है आरसीबी के लिए। आपके लिहाज से आरसीबी की टीम आपको कैसी लगी, कितने पॉइंट्स देते हैं आप, और आपके लिहाज से और कौन से प्लेयर्स हो सकते थे आरसीबी में, ज़रूर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कॉमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आईपीएल के हवाले से अपडेट्स हैं या पीएसएल के हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।